नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाज शेन वॉन को रविवार 20 मार्च को उनके परिवार और बाकी अन्य साथियों के साथ उनके गृहनगर मेलबर्न में निजी अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में उनके 3 बच्चे, पत्नी, माता पिता और दोस्तों को मिलाकर 80 लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में शिरकत किया। शेन वॉन का 52 साल की उम्र में 4 मार्च को दिल का दौरा पड़ने की वजह से थाईलैंड के एक रिजॉर्ट में देहांत हुआ था, जिसके बाद उनके पार्थिव शव को चार्टर्ड प्लेन के जरिए थाईलैंड से उनके होम टाउन मेलबर्न लाया गया। ये अंतिम संस्कार का कार्यक्रम सेंट फिल्डा फुटबॉल क्लब में हुआ। उनके ताबूत को दफनाने के दौरान फिक्स यू गाना गाया गया। उनके अंतिम संस्कार में उनके करीबी दोस्त और साथी खिलाड़ी ग्लेन मैग्रा भी शामिल हुए। इसके अलावा इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भी पहुंचे थे। शेन वॉन और माइकल वॉन एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी थे, लेकिन मैदान से बाहर इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। ये कई बार देखा भी गया। ऑस्ट्रेलिया के बाकी अन्य दिग्गज खिलाड़ियों ने भी वॉन के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा दुख ग्लेन मैग्रा को देखकर हुआ, जो वॉन के अंतिम संस्कार में अपने आंसुओं को छुपा ना सके और भावुक हो गए। बताते चले कि वॉन को 30 मार्च के दिन राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, जिसमें आम जनता को भी आने की अनुमति होगी। मैदान के एक स्टैंड को वॉन के सम्मान में उनके नाम पर रखा जाएगा। ये वही मैदान है जहां शेन वॉन ने अपने टेस्ट करियर का 700वां विकेट हासिल किया था। उन्होंने इस मैदान पर कई अन्य बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं, जिसकी वजह से उनके सम्मान में कार्यक्रम रखा जाएगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।